मंदिर में पत्थरों के सामने आरती दिखाते हैं, घर पे अपने माँ बाप को गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं या खुद निकल जाते हैं। ये जानते हो क्यों? एक लड़की के कारण। ऐसा नहीं बोल रहा कि कारण बस लड़की ही है। नहीं मेरे दोस्त, मेरी बातों को यहाँ से समझना। अगर किसी को बुरा लगे तो मन में ही गाली दे देना यार। ये कोई कहानी नहीं है, हम पे तुम पे सब पे बीती है। और ये बात तुम भी जानते हो कि बेटा नलायक ही क्यों ना हो, माँ बाप की नज़रों में तो बेटा ही रहता है। अरे माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, हर माँ बाप की चाहत होती है बेटा खुश रहे, मेरे साथ रहे। अपने प्यार को सारी ख्वाहिशें पूरा करूंगा, 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा। उसे खुश रखने के लिए क्या से क्या कर जाते हो? माँ की ना ख्वाहिशें पूरी करनी है, ना बाप का 7 जन्म साथ देना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम 7 जन्म साथ दे सकते हो? क्या ये पता है कि तुम्हारे हर जन्म पे वही मिलेगी? नहीं मेरे यार, माँ बाप को कोई आरती नहीं दिखाना है। माँ बाप को गाली दोगे, झगड़ा करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता। बस अपने माँ बाप के साथ रहो, गरीबी हो या अमीरी, बस साथ चाहिए। हर माँ की चाहत होती है बेटा खुश रहे, मेरे साथ रहे। शादी के पहले बेटा बेटा रहता है, वाइफ आने के बाद ये माँ है, ये बाप है। वही माँ बाप बुरे हो जाते हैं। अरे पागल, माँ की हर शब्द में दुआ है, माँ के प्यार में शक, ये तुम्हारे जैसा नलायक ही कर सकता है। कहते हैं ना कि बच्चों के सर पर किसी की साया ना हो तो अनाथ होते हैं। अरे अनाथ तो माँ बाप हो जाते हैं तुम्हारे जाने से। अगर ये लड़कियाँ सोचती ना कि हमारे माँ बाप के अलावा एक और माँ बाप है, तो एक कटोरा लेकर कहीं घूमने की जरूरत नहीं थी सड़कें और स्टेशनों पर भीख मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारे जैसा लोग तो बहुत है, भीख तो मांगना पड़ेगा ना। तुम खुद को इंसान बोलते हो, अरे जानवर से भी बदतर हो तुम। काशी केदारनाथ गिनार हर धाम जाते हो, लेकिन सच्चा धाम किसी को दिखाई नहीं देता। परफेक्ट हो यार तुम लोग, एकदम परफेक्ट। राधे राधे। जग से हाँ।